नमस्ते, मेरा नाम विशाल है। जी, मेरा नाम अनीता। वैसे अनीता जी, आपको जाना कहाँ पे? प्रेम नगर, मेरा घर वहीं है। अच्छा, अरे मैं भी वहीं जा रहा था। आइए, मैं आपको ड्रॉप कर देता हूँ। नहीं, इट्स ओके, मैं चली जाऊँगी। अरे इतनी बारिश हो रही है, आप भीग जाएंगे। मैं वहीं जा रहा हूँ, ऐसी कोई दिक्कत वाली बात नहीं। नहीं, कोई बात नहीं, मैं चली जाऊँगी। अनीता, तुम मुझे बहुत अच्छी लगती। ऐसा क्या अच्छा लगता है मुझमें? सब। आपने घर तो बहुत अच्छे से सजाया है, लगता नहीं है आप अकेले रहते हैं। अरे नहीं अनीता जी, ये सब तो सरकारी नौकर मिलते हैं। क्या तुम हमेशा के लिए दिनेश को छोड़ के मेरे पास नहीं आ सकती? पागल हो गए हो क्या? मुझे हर वक्त ये डर लगा रहता है कि अगर दिनेश को पता चल गया तो क्या होगा। मैं अब तुमसे नहीं मिलूंगी, कभी भी नहीं मिलूंगी। तुम मुझे छोड़ के कहीं नहीं जा सकती। प्लीज विशाल, मुझे इस रिश्ते से आजाद कर दो। मैं ये दोहरी जिंदगी अब नहीं जी सकती। अरे तुम मत जियो ना दोहरी जिंदगी, मेरे पास आ जाओ। नहीं, कभी नहीं। अनीता, सीधे सीधे बताओ क्यों बुलाया मुझे यहाँ? अनीता, तुम नहीं जानती मैंने तुम्हें बहुत मिस किया है। प्लीज विशाल, छोड़ो मुझे। पहले तो तुम्हें ये सब बहुत अच्छा लगता था। ये क्या किया तुमने? क्यों किया तुमने ऐसा? तुम्हारा दिमाग खराब हो गया? अब मैं दिनेश का सामना कैसे करूंगी? तो दिनेश को सब सच बता दो और मेरे साथ शादी कर लो, इससे हम तीनों ही खुश रहेंगे। नहीं, कभी नहीं।